दोस्तों, एक नई सर्विस आई है सीएससी में, जिसका नाम है सीएससी ओलंपियाड। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस लॉकडाउन के माहौल में स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ाई से दूर होते चले जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, सीएससी ओलंपियाड बड़ी ही काम की चीज़ हो सकती है ऐसे स्टूडेंट के लिए जो कक्षा 3 से लेके कक्षा 12वीं तक की हैं। तो दोस्तों, इस सर्विस का लाभ ऐसे स्टूडेंट ले सकते हैं। VLE की कमीशन जो है दोस्तों, वो 35 रुपये रखी गई है, और ऐसे स्टूडेंट जो जिस भी सब्जेक्ट में भाग लेते हैं सीएससी ओलंपियाड में, अंतिम में वो अच्छी खासी पुरस्कार राशि भी जीत सकते हैं इस सीएससी ओलंपियाड के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, इसके कुछ नोटिफिकेशन जान लेते हैं कि क्या है और किस प्रकार से सीएससी ओलंपियाड की सर्विस की स्टूडेंट लाभ उठा पाएंगे, और दोस्तों इसके साथ ही इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, ये सारी बातों को हम वीडियो में आगे जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, कुछ इन्फॉर्मेशन को हम रीड कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन थ्राउ सीएससी इज ओपन फॉर ओलंपियाड्स। इसके अंदर जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है स्टूडेंट को, 4 सब्जेक्ट यहाँ पे हैं, जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो उस सब्जेक्ट में आप ओलंपियाड में भाग लें, और अंतिम में अच्छे खासे पुरस्कार जीतने का मौका है सभी स्टूडेंट के लिए। पहला है दोस्तों नेशनल साइंस ओलंपियाड, दूसरा है नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, तीसरा है हमारा नेशनल इंग्लिश ओलंपियाड, और चौथा है नेशनल हिंदी ओलंपियाड्स। लास्ट डेट जो इसकी रजिस्ट्रेशन की रखी गई है दोस्तों, वो 1 अगस्त 2020 रखी गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है, और इसकी मॉक टेस्ट जो अवेलेबल होने वाली है ऑनलाइन, वो 15 मई से स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए, अब इसे हम ओके कर देते हैं। दोस्तों, स्टूडेंट को करना क्या होगा, किस प्रकार वो सीएससी ओलंपियाड में भाग ले पाएंगे, तो चलिए इसकी पूरी प्रोसेस को थोड़ी हम जान लेते हैं। इसके लिए दोस्तों, हमें हाउ इट वर्क्स में क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों हम हाउ इट वर्क में क्लिक करेंगे, तो इस टेली मार्क के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से स्टूडेंट को भाग लेना है सीएससी ओलंपियाड्स में। पहला क्या करना है दोस्तों, ऐसे जो भी स्टूडेंट होंगे कक्षा 3 से लेके कक्षा 12वीं तक की, वो किस प्रकार से इस सीएससी ओलंपियाड में भाग ले पाएंगे, तो उन्हें सबसे पहले रजिस्टर करना होगा इस पोर्टल के माध्यम से, csolympiad.com के माध्यम से। इसके बाद दोस्तों, उन्हें यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगी, उन्हें अपने मोबाइल पे लॉगिन करना हो या फिर अपने पीसी में वो लॉगिन कर सकते हैं आईडी और पासवर्ड की सहायता से। थर्ड स्टेप में उन्हें प्रैक्टिस करना होगा, जिस भी कक्षा के वो स्टूडेंट होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी, और जो भी उन्होंने सब्जेक्ट चूज किया हो, हिंदी, मैथ, साइंस या फिर इंग्लिश, स्टूडेंट का जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो उसे उन्हें सेलेक्ट कर लेना है और इसकी प्रैक्टिस उन्हें करनी है। फोर्थ स्टेप में दोस्तों, उन्हें लाइव टेस्ट देना है। जैसे जैसे टेस्ट को वो पास करते जाएंगे, तो उनका भी स्टेप 1, 2, 3, 4 ये बढ़ता चला जाएगा, और अंतिम तक वो जाएंगे तभी वो पुरस्कार राशि जीत पाएंगे। इसके बाद दोस्तों, हमारी रैंकिंग की आती है 5th में। जैसे जैसे वो टेस्ट को देते चले जाएंगे और पास होते चले जाएंगे, तो फिर उनकी रैंकिंग बनेगी, तभी वो पुरस्कार राशि जीत पाएंगे। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि अगर हम सीएससी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना चाहें ऐसे स्टूडेंट की, तो किस प्रकार से हम कर पाएंगे और कितनी चार्ज लग रही है इस सीएससी ओलंपियाड में। जब भी दोस्तों ऐसे स्टूडेंट की हम रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे सीएससी ओलंपियाड में जो भाग लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हम रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे, जहाँ हमारी कर्सर ब्लिंक कर रही है। तो चलिए, हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। इस नोटिफिकेशन में दोस्तों, हमें दो ऑप्शन नज़र आ रही होंगी, रजिस्टर जनरल यूजर और दूसरा है लॉगिन एच VLE। अगर VLE के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो आप लॉगिन एच VLE पे क्लिक करेंगे, और ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो खुद से रजिस्ट्रेशन करना चाह रहा हो, वो रजिस्टर जनरल यूजर पे क्लिक करेगा। तो चलिए, हम VLE के माध्यम से रजिस्ट्रेशन अगर करना चाह रहे हैं, तो लॉगिन एच VLE पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, हमें कनेक्ट विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करने की आवश्यकता होगी। इस ऑप्शन में दोस्तों, हमें अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड को फिल कर लेना है। अब हम साइन इन कर लेंगे, इस पॉपअप नोटिफिकेशन को हम क्लोज कर देंगे। सीएससी ओलंपियाड में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों, हम ओलंपियाड में क्लिक करेंगे। चलिए, हम क्लिक करते हैं। इसके बाद ऐड न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करना है हमें। दोस्तों, अब स्टूडेंट के बेसिक से डिटेल यहाँ पे हमें भरना है, जैसा कि स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम या फिर मदर नेम कोई एक डाल सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट का हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ जब हम फिल कर लेंगे, फिर हमें स्टूडेंट का मोबाइल नंबर फिल करना होगा, और जो भी ईमेल आईडी होगा उसे हम फिल कर देंगे। साथ ही दोस्तों, हम ईमेल आईडी भी फिल कर देंगे। इसके बाद हम जिस भी स्टेट से होंगे, उस स्टेट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से हमें डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। एड्रेस में हम स्टूडेंट की पूरी एड्रेस को फिल कर देंगे। क्लास ग्रुप में दोस्तों, स्टूडेंट जिस भी क्लास में होंगे, उस ग्रुप को हम सिलेक्ट कर लेंगे।
जैसा कि क्लास 3 से 5 के लिए फर्स्ट वाली ऑप्शन है, इसके बाद ग्रुप ए रखी गई है जिसमें क्लास 6 से 8 तक के स्टूडेंट होंगे, ग्रुप बी में 9 से 10 तक के स्टूडेंट होंगे और ग्रुप सी में 11 से 12 तक के स्टूडेंट होंगे। तो जिस भी ग्रुप के क्लास के स्टूडेंट होंगे वो ग्रुप आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों आप क्लास सिलेक्ट कर लेंगे, 11th में है या 12th में है या 10 में है, जो भी हो ये आप सिलेक्ट कर लेना है आपको। और जिस भी सब्जेक्ट से वो CSE ओलम्पियाड में भाग लेना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर लेंगे। स्कूल नेम में दोस्तों स्टूडेंट के स्कूल नेम को यहाँ पे भर देना है। मोबाइल ऑफ हेड ऑफ स्कूल में आप मोबाइल नंबर को फिर से फिल कर देंगे। जब दोस्तों आप सारी बेसिक सी डिटेल स्टूडेंट की फिल कर लेते हैं फिर आपको सबमिट कर देना है। इस इंटरफेस में दोस्तों अपनी CSE ID की पासवर्ड डाल के हम वैलिडेट कर लेंगे और जो भी पेमेंट है 125 रुपये के उसे हम CSE को पे कर देंगे। इसके बाद ही स्टूडेंट के मोबाइल या फिर ईमेल ID में पासवर्ड और यूजर ID उनके पास जाएगी और वो उसी की सहायता से लॉगिन कर पाएंगे CSE ओलम्पियाड में।